हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज है 2 मई और बारिश सभी जगह हो रही है, हमारे यहाँ भी हो रही है। हम बना रहे हैं लौकी के कोफ्ते। तो आज मेरा मन है जो बहुत ही दुखी है, मन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। पर कोई ना, वीडियो पर बने रहिए, मैं बताती हूँ क्या हुआ। यहाँ पर चल रही है रामायण और ये है सुहाना शुक्ला और यहाँ पर हो गई है भगवान जी की पूजा। ये देखो, तो यहाँ पर श्रेया को मैंने दिया था मसाला पीसने के लिए, जो प्याज अदरक लहसुन है उसे। और वो यहाँ पर रामायण भी देख रही है, रावण वध आ रहा था तो बोलती मम्मी मैं देख लेती हूँ, तो वो देखते जा रही थी। टीवी बन गया है ना, टीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिग्नल नहीं था, फ्री डीटीएच है ना, इसलिए। लौकी के कोफ्ते बना रहे हैं और भूख भी दोनों को लगी हुई है, तो हम बनाने जा रहे हैं और टीवी देखते देखते फिर खाएंगे। यहाँ पर चल रही है रामायण और ये है सुहाना शुक्ला और यहाँ पर हो गई है भगवान जी की पूजा। ये देखो, ओह माय गॉड, कैमरा खराब। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है, टाइम तो मैंने नहीं देखा है, पता नहीं कितना बज रहा है। ओह माय गॉड, 12:30 बज रहा है, खाने की तैयारी हो रही है ना। अभी मैंने थोड़ा लेट नहाया था क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि गर्मी आई नहीं है, शायद मौसम भूल गया है कि गर्मी भी आती है। तो गर्मी आई है, डायरेक्ट बारिश आ गई है। आप लोग खुद सोचो, सभी क्या आंधी तूफान बारिश ये सब हो ही रहा है, तो हमारे यहाँ भी वही हाल है। तो बारिश जैसा है, और कल मैंने बेडशीट चेंज की थी तो मैंने चादर वगैरह धोई थी, इसमें लेट हो गई मैं। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते, चावल बन गए हैं, आटा मैं लगा दूँगी अभी, और श्रेया सब्जी की तैयारी कर रही है, मैं बस बनाऊँगी। तो मैं अभी ढूँढ लेती हूँ ट्राईपॉट। ट्राईपॉट कहाँ? इनका इनका दिमाग रामायण में, यहाँ से रामायण देख रही हैं, हैं? ये देखो, रामायण देख रही हैं आज, हैं? ट्राईपॉड कहाँ, ये तो बता दो। हे भगवान, यहाँ पर रखा है तो कैसे दिखेगा, पर्दे के साइड में ही। देखो ना मौसम कैसा है, भगवान की शाइप, थोड़ा सा खुला है, ज़्यादा भी नहीं खुला है, थोड़ा सा। चादर वगैरह धोए हैं हमने। तो यहाँ पर मैंने मसाला तो पिस गया था और अदरक लहसुन मैंने अलग पिसवाया था। यहाँ पर लौकी को कद्दूकस कर रही है, यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। और सच बताऊँ, ये बात है कि जनवरी में मेरी सैलरी आई थी, वो भी इतनी कि एक मोबाइल भी नहीं ले सकते हैं हम इतना। आज हम आपको राज की बात बता रहे हैं क्योंकि कभी किसी को अर्निंग नहीं बतानी चाहिए। तो जनवरी में मेरी सैलरी आई थी, जो कि हम मोबाइल भी नहीं ले सकते हैं, जो कि ओप्पो वीवो का आता है ना, जिसका आप लोग कीमत जानते ही हो, तो वो भी नहीं ले सकते। उसमें भी हमको कम से कम 4-5 हज़ार रुपये मिलाना होगा। तो आप लोग सोच समझ सकते हैं कि कितने का मोबाइल आता है और कितना मुझे मिलाना होता है, तब जाके एक मोबाइल ले सकते हैं। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल के लिए अपनी यानी जो अर्निंग है वो बताई है कि कितनी आई होगी। जनवरी के महीने में आई थी, उससे आज यानी मई चल रहा है, तो आप लोग हिसाब यानी काउंट कर सकते हो कि कितने महीने से मेरी सैलरी नहीं आई है। यूट्यूब मुझे सैलरी दे ही नहीं रहा है, बट मुझ में यानी एलिगेशन ऐसा लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ा मेरा यूट्यूब का चैनल है और मैं बहुत अर्निंग कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ा चैनल है, जो भी यूट्यूबर हैं वो सभी लोग ये जानते हैं कि कितने व्यू में कितनी अर्निंग होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत बड़ा चैनल है और बहुत अर्निंग होती है। जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके व्यू अगर पर डे जो होते हैं यानी 50K हो गए, 100K हो गए,
उनका सैलरी जो रहता है ना वो थोड़ा सा बड़े अमाउंट में आती है। हम जैसे छोटे क्रिएटरों में तो यानी हम लोगों को वेट करना होता है। अब जनवरी से मई का महीना है, अभी तक सैलरी नहीं आई है। चार चार पाँच पाँच महीने में अगर हम लोगों को कुछ पैसों का मुंह देखने को मिले, इतनी मेहनत, क्योंकि मेरा वीडियो रोज़ आता है, मैंने आज तक ये बातें शेयर नहीं की ना मैंने बोला, बट मुझे ये बोला जा रहा है कि मेरा खूब बड़ा यूट्यूब चैनल है और मैं अच्छा खासा अर्न कर रही हूँ इससे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे यूट्यूब बिल्कुल भी ऐसा पेमेंट नहीं दे रहा है, चाहे लाइव करो, चाहे वीडियो डालो, चाहे शॉर्ट्स वीडियो डालो, है ना। और मुझे यहाँ पर कोई एक्ट्रेस नहीं बनना है, ना ही मुझे ऐसी कोई पब्लिसिटी चाहिए है कि मैं यानी कि अपना समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो बस यही है जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ना कि बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल है और बहुत अर्निंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी है, मैं अपना पैसा एक एक रुपए बचा करके अपने घर को चलाती हूँ, क्योंकि खाने से ही सब कुछ नहीं होता है कि घर खर्च है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। श्रेया का कोचिंग फीस है, एक कोचिंग नहीं है, दो दो तीन तीन कोचिंग लगा के रखा हुआ है मैंने, क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हो कि बच्चों की पढ़ाई कितनी टफ होते जा रही है ना। और हम बच्चे के भविष्य के लिए ही सोचते हैं, हमने अभी तक जो भी काम किया है उसके भविष्य को लेकर के ही काम किया है, उसके लिए ही सब कुछ है, है ना। हम अपने लिए तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, अगर हम अपने लिए सोचते तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि हम कहाँ होते। अगर हम खुद के इतने लालची और लोभी होते ना कि खुद के बारे में अगर सोचते तो शायद मेरी ये लाइफ नहीं होती, आप लोगों को शायद मैं यूट्यूब पर भी नहीं दिखती, है ना, मैं कहीं और होती। तो मैंने अपने बारे में ना सोच करके अपनी बेटी के बारे में सोचा और अपना जीवन अपनी बेटी के नाम पे किया कि नहीं, अब जीना है तो उसी के लिए जीना है, फालतू के प्रपंचों में हमको नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ अगर हम अपनी बच्ची के लिए कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, ये बताइए आप लोग। तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा कि सुहाना ये ऐसा क्यों कह रही है, पर मेरा मन है तो मैं कह रही हूँ। प्लीज़ आप लोग समझिएगा उस बात को, मेरी कोई अर्निंग नहीं है, मुझे यूट्यूब सैलरी नहीं दे रहा है, और घर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ठीक है, एक अकेली महिला है जो वो अपना घर खर्च चला रही, उसके लिए बड़ी बात है कि चलो इंसान घर नहीं चला पाता है। घर खर्च के अलावा जैसे कि मैं बोल रही हूँ आप लोगों से कि घर खर्च है, हम चलो घर का खर्च तो मैनेज कर रहे हैं, और भी घर खर्च से अलग चीज़ें भी होती हैं, है ना। घर में ऐसा नहीं है, बिजली पानी है ना, टैक्स वगैरह भी आते हैं जो कि पे करने होते हैं हर महीने, तो वो सारा कुछ भी मैं पे कर रही हूँ, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बस घर में राशन भर लिया, बहुत बड़ा मैंने बिल्कुल पहाड़ पर चढ़ गई, ये नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं मेरे ऊपर कि मुझे सब कुछ निभाना पड़ रहा है। और पर क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बस यही है कि मेरे को ना इतनी अर्निंग नहीं है मेरी कि मैं बिल्कुल से लाखों रुपए महीना कमा रही हूँ। अगर खुश हूँ मैं तो अपने बच्ची के लिए खुश हूँ, बच्ची के लिए। अगर मैं रोज़ यूट्यूब पर रोते रोते, मुझे तो पता है घर बैठे सबको सभी जानकारी मिलती है, मुझे पता है, पर रोते रोते हमेशा मैं आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि ये तो मेरा काम है, मुझे करना ही पड़ेगा। घर बैठे एक जॉब मिली है मुझे, यूट्यूब मिला हुआ है, तो वो तो मुझे सबसे अच्छा काम है ना। तो मैं क्यों फिर बाहर जाऊं कोई काम करूं, जब घर बैठे भले ही चार पांच महीने में मुझे कुछ पैसे मिल जा रहे हैं तो वही सही है। मैं घर के बाहर अभी काम नहीं कर सकती हूं क्योंकि मुझे नहीं करना है, तो घर बैठे काम कर रही हूं, अपना खाना पीना रेसिपी दिखा रही हूं, अपना रहन सहन दिखा रही हूं, तो क्या गलत कर रही हूं। बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, बहुत अर्निंग कर रही हूं मैं, वाओ। तो वो तो मैं ही जानती हूँ, और ज़्यादा है क्रिएटर लोग जानते हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जो जिनका चैनल है वही लोग जानते हैं कि कितनी अर्निंग होती है, कितने व्यू पर, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलो ठीक है, आज मैंने बहुत बातें बोल ली, आज ये कोफ्ते बन गए हैं, यही हैं कोफ्ते, आप लोग देख लीजिए, खाने में बड़े स्वादिष्ट बने थे, अब बस खाने की तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड ये देखो मेरे अचार कुछ इस तरीके से रखे हुए, एक अचार ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, नहीं तुम तो लेके आओ। अब हम लोग जा रहे हैं उस रूम में, ये देखो अपनी पूरी
गृहस्थी लेकर खाने की, अपनी पूरी गृहस्थी लेकर खाने की क्योंकि भूख लगी है। सब्जी बन गई है, सब्जी चावल रोटी। आइए, गर्मी कह रही है हमें आन दो, बस कारो कह रहा है हम तो आ गएंगे, हम मलोड़े हुए थे सब पर। तो चलो अचार भी लेकर आ गई हूँ। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।